सही है, 3D इमेजिनेशन अगर आपने सही कर लिया तो ये सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है। आप लोगों ने सॉल्यूशन में एनसीईआरटी किया कि नहीं? यस सर, कल स्टार्ट किया। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर करिएगा। एनसीईआरटी को बच्चे हाँ सर, हल्के में ले लेते हैं, उसी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और उसमें न्यूमेरिकल भी है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट बेसिकली क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट मैटर ऑफ सॉरी फिजिकल स्टेट होता है। ठीक है, किसका? किसी भी मैटर का। ठीक है, और सॉलिड स्टेट जो होता है आपका, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये सॉलिड में होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस स्टेट में होता है किसी भी मैटर के? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? आपका सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, खासकर जब आपका 3D में चीजें चले, क्योंकि फिर एक बार डायग्राम बन जाता है उसके बाद नहीं दिखता। ठीक है, उसके बाद समझ में नहीं आता, ड्यूरिंग डायग्राम आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आ जाएगा इसके पास कि शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो होता है डेफिनेट होता है। दूसरा लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं दे आर जनरली, जनरली ऐसा होता है, दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमेशा। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है? दे डू नॉट डिफ्यूज, दे डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में होता है, और फ्लूइडिटी किस में होता है? फ्लूइड कौन होता है? जो लिक्विड स्टेट में होता है। और ये सॉलिड कभी डिफ्यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यस सर, लिख लिया आप लोगों ने? यस, वेरी गुड। देखिए, किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, डिवाइड करना किसी ना किसी बेस पे होता है। जैसे अगर मुझे क्लास में किसी को कैटेगराइज करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अपने पास यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं सॉलिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश करके लिखते जाऊंगा दोनों चीजों को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो सबसे पहला सॉलिड आता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्रिस्टलिन सॉलिड,
और दूसरा होता आपका एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, यहां देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है बेसिकली, ठीक है, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा क्रिस्टलिन है और कौन सा एमोर्फस है? तो क्रिस्टलिन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, ठीक है, मतलब जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो लॉन्ग रेंज तक चलता है, ठीक है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और यहां पे क्या होता है आपका रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है लॉन्ग रेंज तक चलता है और यहाँ बहुत शॉर्ट रेंज तक चलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स आपके अगर ऐसे हैं तो काफी दूर तक, मतलब ये रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर में अरेंज होंगे, ठीक है, जबकि यहाँ बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एमोर्फस में तो ये स्टार्टिंग में रेगुलर होगा, थोड़ी दूर तक, बस यहाँ तक रेगुलर होगा, उसके बाद इररेगुलर हो जाएगा, पार्टिकल्स इधर उधर होंगे, कहीं डेंस्ड होंगे, कहीं लेस डेंस्ड होंगे, कहीं दूर दूर होंगे। बात समझ में आया? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड इज दैट सॉलिड विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ फॉर देयर पार्टिकल्स। ठीक है, यस सर, लिख लिया आप लोगों ने? यस, सक्षम, यस। चलिए अब दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं, यहां से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि ये किसके लिए था, क्रिस्टलिन के लिए था, और ये किसके लिए आपका, एमोर्फस के लिए। आप लोग लैपटॉप पे बैठ के लैपटॉप लेके पढ़ते हैं या फिर मोबाइल? अभी नो सर, आज फोन लैपटॉप पे था। अच्छा, तो देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट, जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है आपका वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये अभी समझ में आ जाएगा आपका। और ये जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं ये होते हैं आपके स्यूडो सॉलिड। क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए आपने वो चीज पढ़ा है क्या, स्यूडो फोर्स, क्लास 11th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? यस सर। ठीक है, सक्षम, यस। तो देखिए यहाँ क्या होता है बेसिकली, इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं और इसको सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो सॉलिड इसलिए कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं, देखिए सॉलिड में फ्लूइड होता है क्या, फ्लूइडिटी होती है क्या? सॉलिड फ्लूइडिटी होती है? सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी होती है? नहीं होती है। लेकिन अगर ग्लास देखेंगे ना, जैसे विंडोज ग्लास पीछे लगा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके डोर में लगा हुआ है, कहीं भी ग्लास लगा हुआ है, तो आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, ठीक है, उसका जो नीचे वाला जो ऐसे लगा हुआ होता है तो नीचे थिक हो जाता है और ऊपर क्या होता है, थिन हो जाता है। ठीक है, ये शो करता है कि ग्लास में फ्लूइडिटी है और वो इतना स्लो है कि आप ऐसे बैठ के देख के बता नहीं सकते कि हाँ ये स्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जैसे 10-15 साल बाद होता है। ठीक है, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड में नहीं होनी चाहिए, इस वजह से इसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड। और ये ट्रू सॉलिड का मतलब समझ ही गए आप, जैसा है वैसा है भाई। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका शेप, साइज और वॉल्यूम कोई भी, सब कुछ क्या होता है, डेफिनेट होता है। बात क्लियर है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस पता चला, सूडो सॉलिड और ट्रू सॉलिड में? यस सर, यस सर। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए
तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज शार्प, क्या होता है शार्प होता है, इसका भी पहले लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इन रेंज, इज इन रेंज, लाइक मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मान लीजिए आपका क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो उसको अगर बॉयल करना है तो हर जगह, ठीक है, अगर लेट सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप हर जगह पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएंगे ना, वो बॉयल होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, कहीं पे क्या होता है पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, डेंस्ड होता है, तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता है उसको बॉयल करने के लिए, कहीं पे लेस डेंस होते हैं तो वहां पे कम टेम्परेचर लगाना पड़ता है। इसलिए जो एमॉर्फस में आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो रेंज में होता है, जबकि इसमें रेगुलरली अरेंज होने की वजह से, पार्टिकल के रेगुलरली अरेंज होने की वजह से, यहाँ पे जो क्रिस्टलिन में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, शार्प होता है। क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। यहाँ खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सब एक ही तरह दिख रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली अरेंज है, इसके इसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके बीच में है, ठीक है, इजिली। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लग रहा होगा, तो इसको तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सही है, ठीक है, यहाँ पे डेंसड हो गए, डेंसड होने के लिए, डेंसड होने की वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ दूर हो गए कम एनर्जी में टूट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। स्लाइड चेंज करो। यस सर। चलिए अब फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, और फोर्थ पॉइंट जो होता है ये होता है आपका, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में नहीं आया आप लोगों को अभी, इस चैप्टर के खत्म होते होते आ जाएगा, वैसे अभी समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो होता है आपका, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज क्रिस्टलिन सॉलिड है, NaCl जो होता है वो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, क्रिस्टल बना हुआ होता है, तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड, इसी से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टलिन जो होता है आपका, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एनीथिंग, ठीक है। मैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले रहा हूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिस्टलिन सॉलिड में, अलग अलग डायरेक्शन में मेजरमेंट करिएगा आप, तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। बात समझ में आया? हेलो। यस सर। थोड़ा 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 देखिए इधर, अगर आपने यहां से इस डायरेक्शन में चेक करने की कोशिश किया आपने इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू सपोज म्यू वन आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपने इधर डायरेक्शन में चेक करने की कोशिश किया आपने तो म्यू टू आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टलिन सॉलिड विल बी डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ मैं लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ये अभी नहीं लिखिएगा, इसका डेफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा मैं,
ये बस समझाने के लिए। देखिए इस डायरेक्शन में आपने चेक किया, इस डायरेक्शन में आपने चेक किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन आया, इस डायरेक्शन में चेक किया म्यू टू आया, ठीक है। अब सपोज इस डायरेक्शन में आपने चेक कर लिया म्यू थ्री आया, तो डायरेक्शन में अगर आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्लियर है? हेलो अभिनव। यस सर। तो मैंने लिखा दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, और आईसो का मतलब सेम, किसी भी डायरेक्शन में चेक करिए सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक को, मैं अभी मतलब उसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, इसके बाद वाला पॉइंट लिखवाता हूं। फिफ्थ एग्जांपल लिख लेंगे सबसे पहले, ये क्वार्ट्ज होता है आपका, क्रिस्टलिन जेड एन एस होता है क्रिस्टलिन, एन एस सी एल होता है क्रिस्टलिन, के सी एल होता है क्रिस्टलिन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे रबर प्लास्टिक ग्लास, रबर ग्लास प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे, एमॉर्फस हो जाएंगे। डन ठीक। अब हम यहां लिखेंगे एनिसोट्रॉपिक का डेफिनेशन, देखिए एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, मैं इसमें सही से लिख देता हूं, इन क्रिस्टलीन सॉलिड देयर क्रिस्टल लेस्टिस है, देयर क्रिस्टल their crystal lattice have different value of different physical quantities in different direction in same crystal, different direction में different value देता है same crystal में, जैसे मैंने ये एक example लिख दिया था आपका, उसे कहते हैं anisotropic, और isotropic क्या होता है आपका, same value देता है of same value of physical quantities in different direction, उसको कह देते हैं हम isotropic। Yes, sir. I hope ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है, और अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस करने को, अभी जितने चैप्टर्स होना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए, एनसीईआरटी करिए, असाइनमेंट करिए, प्रीवियस ईयर्स करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये टाइम खत्म होते जाएगा ना, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा, आप लोगों को फिर टाइम नहीं मिलेगा, काफी चीजों में उलझ जाता है इंसान बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। अभी पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की, स्कूल चल रहा है ऑनलाइन? यस सर, चल रहा है स्कूल। तो ऑनलाइन बढ़िया चल रहा है, ऑनलाइन में भी मतलब वो वाली चीज नहीं होती होगी जैसे 8-10 घंटा आप लोग जान मतलब लाइक अगर ऑफलाइन चलती थी तो आना जाने में भी टाइम लगता था, प्लस जाके आके थक के सो जाते थे। ऑनलाइन में आई थिंक कम क्लास होती होगी सर, मेरी तो 8:45 से 12 समथिंग तक होती है, 12:20 से। अच्छा अच्छा सही, पहले तो उससे ज्यादा होती होगी ना? हाँ सर, पहले 7 बजे से कुछ 3 बजे का। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो उठा लीजिए, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के एकदम क्वेश्चंस ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए चैप्टर्स कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे करना ही करना है,
ठीक है। अब देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करते हैं, तो टाइप क्रिस्टलिन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, सबसे पहला तो एक आ जाता है आपके पास आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक सॉलिड के बाद एक आ जाता है आपके पास मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड के बाद अपने पास एक आ जाता है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क या फिर नॉन मेटालिक सॉलिड भी कहते हैं, कोवेलेंट या फिर नॉन मेटालिक सॉलिड, ठीक है। और फिर आ जाता है अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये तीन टाइप के होता है, ठीक है। एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। फिर एक आता है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर अपने पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट नॉन मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑफ टू थ्री टाइप, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस सर। स्लाइड चेंज करूं अभिनव? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे और फटाफट कर लेंगे ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में लिखेंगे, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, तीसरा कंडक्टेंस के बारे में लिखेंगे, चौथा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखेंगे, पांचवा एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आयनिक सॉलिड की, फिर आ जाएगा आपके पास मेटालिक सॉलिड, फिर आ जाएगा अपने पास कोवेलेंट या नॉन मेटालिक सॉलिड, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। बना लिया आप लोगों ने? यस। पहले ये बना लीजिए। डन सर। सक्षम? यस सर डन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये तो अंडरस्टूड है सर, वॉइस ब्रेक, ठीक है। पहले देख लीजिए उसके बाद आप भरिएगा। आप वेट पहले आप लोग देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है।
इसको देख लीजिए, आवाज जा रही है अब, एम आई ऑडिबल? यस। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड आयन्स होते हैं। मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका या तो मेटल होता है और कैर्नल होता है। कैर्नल जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहते हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक सॉलिड में उसे कहते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट सॉलिड में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। मेटालिक वाले में क्या लग जाता है? आपका मेटालिक बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट में क्या होता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कंडक्टेंस की बात करें हम तो आयनिक सॉलिड बस एक्वस सॉल्यूशन में ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। मेटालिक में क्या होता है? इज वेरी हाई, कंडक्टेंस इज वेरी हाई, ठीक है। कंडक्टेंस वेरी हाई होता है मेटालिक सॉलिड में, और आपके कोवेलेंट में लो होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर में भी क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक सॉलिड में हाई होता है, मेटल में क्या होता है? वेरी हाई होता है, ठीक है। कोवेलेंट का भी हाई होता है, और मॉलिक्यूल का जो होता है वो क्या होता है? आपका लो होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaCl, KCl वगैरह आ जाएगा। मेटालिक में आ जाएगा आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीजें। कोवेलेंट में आ जाएगा आपके पास डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बहुत सारे हो गए इसमें तो, ठीक है। कोवेलेंट में क्या पूरा हाइड्रोकार्बन को लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या लिख सकते हैं? H2O ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर में हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्रिस्टलाइज सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज आयंस इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हेलो, यस सर, आयनिक सॉलिड की कंडक्टेंस में क्या लिखा है? इन एक्वस सॉल्यूशन, सर कोवेलेंट के एग्जांपल के H2O हो गया, N2 हो गया, ये सारी चीजें कोवेलेंट की एग्जांपल हो जाएंगी। H2O, N2 अगर ये सारे सॉलिड स्टेट में हैं आपके, ठीक है, CO2 हो जाएगा। ओके सर, ये एग्जांपल में आपने क्या लिखा हुआ है ये कोवेलेंट सॉलिड? N2 ये ना H2O N2 स्लैश डाल दिया मैं यहाँ पे, एक स्लैश नहीं कॉमा लगा दीजिए अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। H2O इन सॉलिड स्टेट, यस यस, नहीं सर इसके साइड वाला। अच्छा ये डायमंड ग्रेफाइट, सॉरी मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड बार बार देख रहा हूँ, डायमंड ग्रेफाइट ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट होता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा लैटिस वगैरह, ठीक है, लैटिस पॉइंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यूबिक लैटिस, वो SCC होता है, BCC होता है, FCC, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो और आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। NCERT में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है 3D में, तो उसको डायग्राम वगैरह देखिएगा तो और आसान हो जाएगा। फिलहाल मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मैंने कराया था ओके आपसे, एक मिनट रुक जाइए, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो तीन टाइप का था आपका, सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात किया जाए तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, चार्ज्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए, एज फॉर एग्जांपल H2O कर दिया मैं, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव इधर से खींचेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, इधर से डेल्टा नेगेटिव, अगर ये सॉलिड में है तो इसको कह देंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जिसमें चार्ज ना हो, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, ये सारी चीजें जो होंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लीजिएगा, इसका जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही इसका, ठीक है, तो खींचेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएगा। वही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनना मस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन जब भी फोन के आसपास होता है, मोबाइल फोन फोन के आसपास होता है, फोन का मतलब ये हो गया कि ये फ्लोरीन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, तो जब भी हाइड्रोजन फोन के आसपास होता है तो इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ हो, कोई एक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका पहले ये लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड को, अगले में एग्जाम्पल देता हूं मैं, लिख लिया आप लोगों ने सर नॉन पोलर का एक बार फिर से बताना। नॉन पोलर का मतलब जिसमें चार्ज नहीं हो, यहाँ पे चार्ज, चार्ज क्यों क्रिएट होता है अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, चार्ज क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहां, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहां, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, H2O2 N2, नो ठीक है, इस वजह से इसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो। अभिनव आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर, स्लाइड चेंज करूं? यस सक्षम? एक सेकेंड। हाँ टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। डन सर। तो देखिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल में लिख लीजिएगा आप लोग, H2O हो गया, HF हो गया, NH2F हो गया, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग NH2F, ठीक है। अब वाटर में देख लीजिए, वाटर में खुद कितना चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये ओ एच होता है, ये ओ एच होता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ से भी एक ओ एच होगा और इधर भी, हर तरफ तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मिलियंस होंगे तो आसपास होंगे, अब यहाँ पे भी एक ओ एच होगा ऐसे, और यहाँ पे भी क्या होगा, ओ एच होगा ऐसे। तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बनाता है, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से, तो ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, यस सर। ये सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF HF है, बहुत सारे HF है, बहुत सारे HF है, बहुत सारे HF है, ठीक है। अब इनके बीच में F और H के बीच में लग जाएगा, F और H के बीच में लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आई होप ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो और आया है, और आपका क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D वाली चीजें शुरू करेंगे,
टाइप्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गया, लैटिस, क्यूबिक एससीसी, एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सारी चीजें क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।